उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 27 मार्च को अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर के प्रस्तावित लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार को मुख्य वन संरक्षक एमके जानू ने जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ चिड़ियाघर का विधिवत निरीक्षण किया तथा जानवरों को रखरखाव सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त नालिकर, जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक ने एक एक बाड़ों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया तथा उनके खान पान, रख रखाव सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। निरीक्षण के दौरान चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। गौरतलब है कि 27 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद चिड़ियाघर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। चिड़ियाघर में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति ₹50 प्रवेश शुल्क रखा गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए ₹25 शुल्क देना होगा। वहीं 12 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क होगा। इसके बाद लोग चिड़ियाघर का लुत्फ उठा सकेंगे और यह गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी।